गटरों का काम बहुत कठिन काम है, इसमें इतना गैस होता है, आलूदगी होती है कि हम हमारा दम ही भी घुटता है। मैं सेवरेज का काम 11 साल से कर रहा हूँ, टाइम पर तनख्वाह मिल ही जाए, दो दो तीन तीन महीने तनख्वाह ही नहीं देते। जैसा कुछ चूड़ा ही सदे कुटाना ही सदे। मेन हॉल में जाना, अंदर काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, कांच लग जाते हैं, ब्लेड वगैरह होते हैं, सिरिंजें पड़ी होती है, हाथ पांव पे लग जाती हैं। और सही जनाब काम ते गए, बस यो पता लगे जो गटर च बड़ाए ने उन्हें बच्चे की मौत थी गई। वाटरेट और चिप वालों ने जब हमें फालतू सामान दिया गया था तो उसकी हमें साथ साथ ट्रेनिंग भी दी गई थी कि इसको ऐसे यूज़ करना है। जैसे कि ड्राई सूट से ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि जैसे कि जरासीम वगैरह या कोई गंदगी वगैरह हमारे जिस्म को नहीं छूती है। कांच वगैरह पहले लग जाते थे पाँव में, अब शूज़ पहनने से वो नहीं लगते। OHS के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर्स के हवाले से इक्विपमेंट दैट रिसीव्ड फ्रॉम वाटरहेड एंड चिप इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी मच विद अस। लोगों की तो सोच बदलनी पड़ेगी, जब सोच बदलेगी तो हर इंसान का रवैया खुद ही बदल जाता है। कोई अच्छे लोग भी हैं, वरना तो हर लोग कहते हैं जी ये गंदा काम करते हैं, गंदे लोग हैं। कचरा साफ करने आए, सफाई करने आए, ये सफाई है खुदाई है। चिप की तरफ से और वाटर एड की तरफ से रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटरी वर्कर के हवाले से, रिसीवर मैन के हवाले से काफी एफर्ट्स, काफी सेमिनार्स हमारे साथ करवाए हैं, ट्रेनिंग्स करवाई हैं। इन लोगों की जिंदगियां एजुकेशन और सर्टिफिकेशन से बेहतर बनाई जा सकती हैं। सब इज्जतदार लोगों ने प्यार खलूस रखे सारे नाल, कोई अल्लाह का प्यारा है जेड़ा मकसद है खुदा को डरता होवे और सलाम करे सब। मेहरबानी करके हमें पक्का किया जाए